हे वान, आज मैं लेके आया हूँ हेलो किटी के एक ज्योमेट्री बॉक्स। और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी, आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी दोस्तों। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, फिर आप मुझे बताना आपको ये हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी गई। और ये पिंक कलर की, और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज करी है 400 रुपीज की दोस्तों। मेरे इधर एक शॉप है, उस शॉप से दोस्तों मैंने इस ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज करी। तो चलो फटाफट ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। दोस्तों आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स अच्छी लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक दोस्तों। तो चलो फटाफट दिखाता हूं आपको ज्योमेट्री बॉक्स। यहां देख सकते हो दोस्तों, हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खींचते हैं बाहर। तो ये देखो दोस्तों, इस ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता हमें ये शार्पनर कंपार्टमेंट। इसमें दोस्तों पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और सारा कूड़ा दोस्तों इसी के अंदर जमा हो जाएगा, ये देख सकते हो। और कूड़े को कैसे फेंकेंगे, तो यहां दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खींचेंगे फिर कूड़ा फेंक देंगे, ये देख सकते हो। कूड़ा फेंक देंगे अच्छे से, और इसके अंदर का शार्पनर भी देख सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, देख सकते हो। अच्छा लॉक मिल गया, और यहां पे भी दोस्तों हमें एक और लॉक मिलता है, इस लॉक को खींचते हैं तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है छोटा सा कंपार्टमेंट। इसके अंदर दोस्तों हम अपनी इरेजर, कुछ भी छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, दो दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। और इन दोनों कंपार्टमेंट को खोलने से ये देखो दोस्तों, ये ज्योमेट्री बॉक्स के कान जैसे लग रहे हैं, है ना, काफी जबरदस्त। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। पहले से पहला ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें क्या मिला, पियानो मिला दोस्तों। और वाह, और किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें पियानो नहीं मिलता है। और इस पियानो को दोस्तों इस तरह रोटेट करके आगे कर लेंगे दोस्तों, ये देख सकते हो। ये पियानो दोस्तों 360 रोटेट भी हो रहा है, देख सकते हो, काफी गजब। और ये देखो दोस्तों, इसमें काफी सारे बटन मिल जाते हैं, और किस मोड पे चलाना ये सारे भी बटन मिल जाते हैं दोस्तों। और यहां देख सकते हो दोस्तों, हमें बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों पहले बैटरी डालते हैं, फिर पियानो चला के देखते हैं। देखते हैं दोस्तों ये पियानो चलता है और कैसा चलता है और किस तरह की आवाज आती है। और यहां देखो दोस्तों, ऑन ऑफ का बटन है, पहले तो लगा लेते हैं दोस्तों इसमें बैटरी और चलाते हैं दोस्तों इस पियानो को। तो इसमें दोस्तों हमारी ट्रिपल ए की दो बैटरी लगेगी, तो इस बैटरी को दोस्तों कुछ इस तरह से लगा लेंगे हम। तो पहली बैटरी लगा ली हमने, सेकंड बैटरी को भी लगा लेते हैं दोस्तों। ऑन ऑफ का बटन ऑन कर लेते हैं दोस्तों और चलाते हैं पियानो, देखते हैं दोस्तों पियानो चलता है या नहीं चलता। अरे वाह, ये पियानो तो चल रहा है, और साउंड सुनो दोस्तों। और वही तो काफी जबरदस्त पियानो चल रहा है, काफी अमेजिंग, साउंड भी काफी अमेजिंग। और यहां से दोस्तों हम पियानो के मोड चेंज भी कर सकते हैं, और यहां से दोस्तों हम वॉल्यूम को तेज भी कर सकते हैं। ये ज्योमेट्री बॉक्स तो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है यार। पियानो वाले, आपको ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में तीन सेक्शन, एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिलता है। और कितने पेंसिल लॉक मिलते हैं इस वाले सेक्शन में, हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिलते हैं, दो छोटे छोटे सेक्शन मिलते हैं, दोनों सेक्शन की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस वाले कंपार्टमेंट में। चलो बंद करते हैं, एक और ढक्कन मिलता है, यानी तीसरे ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। तीसरे ढक्कन को ओपन किया तो पीछे दोस्तों हमें एक और कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। आज तो मैं पूरे दिन टाइम पास करूंगा इस पियानो के साथ दोस्तों।